साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के स्वराज के मायने क्या थे, भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि ये समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया। नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही यह ताकत थी जिसने जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को, मुंडा भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया। ये लड़ाई जड़ जंगल जमीन की थी, आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी। और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था। इसलिए मैं समझता हूं जनजातीय गौरव दिवस समाज को सशक्त करने के इस महायज्ञ को याद करने का भी अवसर है, बार बार याद करने का अवसर है।